टंकी जितनी बार देखो उतनी कम है। वेरी नाइस, इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी लगी, सुपर। उनका मैसेज स्ट्रगल था, जो स्ट्रगल जो इंडियंस इसके पीछे जो इमोशंस है उसके बारे में, सुपर सुपर सुपर। रुला दिया, रोते रोते मैं कैसे कैसे आया हूँ क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इन ऐसे लोगों को अपने देश में ही, अपने देश में चाहे चाय का ठेला डाल लो, भले ही ब्रेड पकोड़े बेच लो, लेकिन विदेश मत जाओ। शाहरुख खान इज फेवरेट, हमेशा की तरह मुझे प्लेन से ले जाऊंगा इंडिया। बहुत अच्छी लगी, शाहरुख खान की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी, उसके हर डायलॉग पे मतलब सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। शाहरुख खान का इसमें भी मैसेज है कि जैसे बच्चे अपने कंट्री को छोड़कर बाहर जाने के लिए इतने परेशान होते हैं, अपना सारा कुछ बेच बात की जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। सरार तो कहीं टिकना नहीं इसका। गया भाई बहुत औसम मूवी है, इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होना चाहिए, बड़ा मजा आया। मैं तुम्हारे देश में रहने के लिए अपने देश को बुरा नहीं बोलूंगा, मुझे अपने देश में जंगा दो, इसलिए मैं अपने देश को बुरा नहीं बोलूंगा। सबसे अच्छी बात इसकी फिल्म की है, आसमान में चांद सिर्फ एक है, वो है शाहरुख खान। पूरा देश देखे इसको, पूरा इंडिया पूरा देश देखे, अच्छी मूवी है। शाहरुख भाई की बिल्कुल मस्त मूवी है, मजा आ गया, मूवी है और शानदार मूवी बनाई। प्रभास को टंकी लगानी पड़ेगी, कलर पहले बहुत बढ़िया मूवी, बहुत अच्छी, ये इसमें अच्छा मैसेज है और जो लोगों को सीखना चाहिए समझना चाहिए, नाइस मूवी, जितनी बार देखो उतनी कम है। ये संजू पीके वीके सब फेल है। कुमार हिरानी जबरदस्त, पांच में से पांच स्टार जबरदस्त, एकदम एक नंबर, 100 इज द बनर, एक नंबर भाई, दिल पे लगते चला जा रहा भाई, ड्रेवर मनी नहीं कर रहा, गजब भाई गजब। इसका नहीं है पठान भाई, बहुत औसम मूवी है, इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होना चाहिए, बड़ा मजा आया। भाई इसमें बहुत ड्रामा है, इमोशनल मूवी है, कॉमेडी है, ए टू जेड सब चीज है, एक्शन फाइट वगैरह सब चीज है भाई, मजा आ गया। क्या रोने लगे, रोगे भाई साहब, इंटरवल के बाद अब रोते रहोगे, इतना इमोशनल। राजकुमार हिरानी होगा तो रोने ही आएगा, मास्टर माइंड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी होगा तो रोने ही आएगा, मास्टर माइंड डायरेक्टर, मास्टर माइंड पैसा वसूल भाई, ये स्टोरी आने वाली हूँ शाम में। शाहरुख शाहरुख बहुत बढ़िया लगा, टंकी हार्ट टचिंग मूवी है, बहुत नया एक्सपेरिमेंट है, राजू रानी का अच्छा सुपर हिट, पार कर गए, एनिमल को फेल कर दिया, एनिमल को पार, राम बाबू राम बाबू सब पार, पार है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शाहरुख 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 भाई, लोग एंड कर दिया भाई ने, एंड कर दिया, कोई जवाब ही नहीं है भाई, मूवी बहुत बढ़िया है, तुम भी जाके देख लो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत कमाएगी, बहुत कमाएगी, एक नंबर, हजार के पार, हजार लोगों से जान रहे हैं फिल्म के बारे में, शाहरुख खान की डंकी फिल्म रिलीज हुई है, उसका फर्स्ट शो देखकर लोग निकल रहे हैं, उनसे पूछते हैं उनकी राय फिल्म के बारे में क्या है। डिलाइट सिनेमा पर हमें बेहतरीन भाई, कितने स्टार देंगे शाहरुख खान की फिल्म? चार चार, पांच स्टार, बूढ़े हो गए शाहरुख खान, बुढ़ापा देख रहा है, बुढ़ापा मारा भी है शाहरुख खान का, ऊपर ऐसी लगी, बहुत अच्छी मूवी थी, सलार से बढ़िया जाएगी, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया, क्या अच्छा लगा, अच्छा बताइए, क्या अच्छा, अच्छा था फिल्म में? शाहरुख खान ने जबरदस्त एक्टिंग की है, लोग कह रहे विक्की कौशल ज्यादा अच्छा था, हैं विक्की कौशल ने ज्यादा अच्छा किया, विक्की कौशल का छोटा रोल है, अच्छा उसका जितना रोल था वो भी बहुत अच्छा था, ऐसी लगी भाई फिल्म, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सलार से ज्यादा कमाएगी, हाँ सलार तो कहीं टिकना नहीं इसके आगे। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी, पूरा देश देखे इसको, पूरे इंडिया पूरा देश देखे, अच्छी मूवी है। शाहरुख भाई की बिल्कुल मस्त मूवी है, मजा आ गया इस मूवी में, और शानदार मूवी बनाई है, ऐसा क्या है कुछ बताओ, बहुत कंटिन्यू मूवी है।
जबरदस्त भाई, जबरदस्त ढंग, शाहरुख की जबरदस्त पैसा वसूल भाई, पैसा वसूल है, मजा आने वाला है। प्रभास को टंकी लगानी पड़ेगी अब। सलार पहले टंका बज गया, आप उनको बता सकते हैं, लेकिन शाहरुख क्या कोई भी नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, शाहरुख कोई नहीं चलेगा। तबाही बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजा आया देखते हैं। वो सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई, अभी वो जवान नहीं है, वो सब हिट जाएगी। सबसे बढ़िया मूवी थी राजकुमार ईरानी की अब तक की, फुल पैसा भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, थ्री इडियट का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी भाई। अच्छी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? सही बात है, सही बात है। आपको कैसी लगी भाई? मौसम मौसम अच्छी है, अच्छी मूवी है, क्या अच्छा लगा? और अच्छा लगा शाहरुख खान या तापसी पन्नू? तापसी पन्नू ज्यादा अच्छी है, बट फिल्म फ्लॉप हो गई, एक दिन का क्राउड है, खत्म हो जाएगा कल। शाहरुख खान ने तोड़ दिए सपने, मतलब पिक्चर इतनी अच्छी नहीं, पठान और जवान के जैसे लोग सोच के आ रहे थे, बट कॉमेडी भी नहीं है, एक सीरियस फिल्म है, तो पसंद नहीं आई लोगों को। बहुत अच्छी मूवी थी भाई, अच्छी है। ये दूर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, मगर जब आदमी नजदीक पहुंचता है ना, तब पता लगता है। हम सोचते हैं विदेश जाइए, मगर जब आदमी जाते हैं, कभी भी गलत रास्ता चूज ना करें। रोने लगे आप भी? सर हर बंदा रोएगा, इमोशनल मूवी है और दिल को छूने वाली मूवी है, बहुत अच्छा कंटेंट है जी। बिल्कुल सर, मूवी का शायद ना तोड़ पाए, मगर जो एक होता है ना कंटेंट, हमेशा ऊपर होना चाहिए। मसाला मूवी भले पैसा ज्यादा कमा ले, मगर कंटेंट मूवी इज्जत ज्यादा कमाएगी। कंटेंट अच्छी है जी, कंटेंट जो होता है ना की जवान पठान जी, वो मसाला मूवी रिपीट वैल्यू होती है, बट जो कंटेंट मूवी होती है ना, वो हमेशा रिस्पेक्ट उसकी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल है कि शाहरुख खान के जवान पठान दोनों आई जी, क्या उससे अच्छी है? जी सर बिल्कुल, कंटेंट के मामले में उससे अच्छी है। शेर है कि आसमान पे सितारे बहुत है, कि आसमान पे सितारे बहुत है, पर आसमान में चांद सिर्फ एक है, वो है शाहरुख खान। एक ही चांद है, एक ही चांद है, वो है शाहरुख खान, शाहरुख खान किंग खान। वो ये डायलॉग फिल्म में जो इस फिल्म में फिल्म में गाने सब अच्छे हैं और फिल्म बहुत मस्त है, मूवी अच्छी है, बहुत बढ़िया मूवी है, धमाकेदार है। शाहरुख के मैं तुम्हारे देश में रहने के लिए अपने देश को बुरा नहीं बोलूंगा, कि ताकि तुम मुझे मेरे अपने देश में जंगा दो, इसलिए मैं अपने देश को बुरा नहीं बोलूंगा। सबसे अच्छी बात इसकी फिल्म की है। आप देखते हैं लोगों से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी लगी? अमेजिंग मूवी, वेरी नाइस, मतलब इट वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव, लाइक टंकी नहीं करना चाहिए, अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा क्या लगा फिल्म में? किसका रोल था? विक्की कौशल है, रोमन ईरानी है, तापसी पन्नू है। शाहरुख खान इज फेवरेट हमेशा की तरह। कोई डायलॉग? हाँ, तुझे प्लेन से ले जाऊंगा इंडिया। आप बताइए आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, शाहरुख खान की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। हाँ। और मतलब उसके हर डायलॉग पे मतलब सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, और शाहरुख खान का इसमें भी मैसेज है कि जैसे बच्चे अपने कंट्री को छोड़कर बाहर जाने के लिए इतने परेशान होते हैं, अपना सारा कुछ बेच बाच के जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, और उसका ये मैसेज है कि अपने कंट्री में अपनी कंट्री से प्यार करें, अपनी अपनी कंट्री में ही रहें, वहीं तरक्की बनाएं अपनी, और बाहर जाके जो उनका हाल बेहाल है। आपने जवान और पठान भी देखी होगी, उससे किस तरह अलग है ये? वो एक्शन मूवी है और इसमें सभी कुछ है, रोमांस है, कॉमेडी है, और मैसेज है जनता के लिए, बच्चों के लिए, खास तौर से जो बाहर जाते हैं उनके लिए मैसेज है कि आप अपनी कंट्री में रहें। इस फिल्म में ज्यादा बिजनेस करेंगे या पठान जवान का ज्यादा रहेगा? कमाई के तौर पे जैसे देखते हैं, करोड़ों कमाते हैं, इतने करोड़ों से करोड़ इक्वल ही रहेगा। अच्छा, इक्वल रहेगा क्योंकि शाहरुख खान इज शाहरुख खान, शाहरुख खान को देखने आते लोग। बूढ़ा भी तो कहते हैं शाहरुख खान को, बूढ़े हो गए शाहरुख खान। नहीं ऐसा तो नहीं है, एज तो उनके ऊपर हावी नहीं है। वो एज पर हावी है। अच्छा। बूढ़े होके और अच्छे लगते, और बूढ़े होके उनका लुक ज्यादा निखर कर आ गया है। कैसी लगी? बिल्कुल 5 out of 5।
अच्छा ब्लॉन्ग बस्टर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि शुरुआत में अच्छी है, लास्ट में रोने। नहीं नहीं पूरी फिल्म ही अच्छी है। अच्छा शाहरुख खान की तीनों, और ये 2023 में तो तीनों फिल्में आई हैं, तीनों देशभक्ति पर आई हैं, तीनों देशभक्ति पर आई हैं, ब्लॉक बस्टर होने वाली। तो ये यहाँ पर लोगों की राय है अलग अलग तरह से। आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि डंकी जो है डंका बजा के रहेगी। तो अभी और लोगों से बात कर लेते हैं। आपने देखी फिल्म? जी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, सुपर। अच्छा शाहरुख खान का क्या कोई डायलॉग है इसमें ऐसा जो याद रह जाए? बहुत सारे ऐसे डायलॉग है। फिल्म का मैसेज क्या था? फिल्म का मैसेज स्ट्रगल था, जो स्ट्रगल जो इंडियंस स्पेशली पंजाब के लोग जो कर रहे हैं, वो स्ट्रगल इसके पीछे जो इमोशंस है उसके बारे में। लेकिन शाहरुख खान की एज को हावी बता रहे हैं लोग, एज हावी हो गई उनके, बुढ़ापा दिख रहा है। बुढ़ापे में भी शाहरुख की 94, ऐसा कोई बात नहीं है। लगता है शाहरुख खान की ये फिल्म जो है डंकी जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, ये फैमिली वाली फिल्म है ना, इसमें इमोशंस और फनी सब सारे कंटेंट्स इक्वली बैलेंस किए हुए हैं, लंबी चले। डायरेक्शन को कैसे देखती है? बहुत अच्छा, उनका बहुत डिफरेंट डायरेक्शन है।